में स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा वन में सब्जेक्ट मैथ, विषय मैथ, गणित, गणित की पढ़ाई हम आज करेंगे स्वाध्याय पुस्तिका में। चलो 83 पेज नंबर, आज हमें कौन सा पेज नंबर निकालना है? पेज नंबर 83। हम क्या सीखेंगे? घटाव सीखेंगे। हमने इसके पहले जोड़ सीख लिए है ना, जोड़ मैंने आपको सिखा दिए हैं। आज हम क्या सीखेंगे? घटाव। घटाव यानी क्या? घटा दो यानी कम करना है ना। दो में से दो निकाल देना है। आपके पास में तीन चॉकलेट्स है, उसमें से आप एक खा लो तो कम हो गई है ना, तो उसमें से कम हो गई, तो आपने एक खा ली है तो कम हो गई यानी क्या हो गया, आपने उसको घटा दिया है। तो इस तरीके से हमें आज घटाव सीखना है। तो चलो पेज नंबर 83 चैप्टर 4 घटाव। घटाव को समझो। देखो आपको यहाँ पे चित्र के द्वारा समझाया गया है। देखो यहाँ पर चित्र में 1 2 3 गौरैया दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद में दो गौरैया उड़ जाती है ना, देखो उड़ती दिखाई दे रही है ना, दो गौरैया उड़ गई हैं, तो कितनी बची? वन है ना, वन बची है। कितनी बची है? वन है ना। थ्री गौरैया बैठी है, उसमें से दो उड़ जाती है, तो कितनी बचेंगी? वन। ओके चलो अभी देखो यहाँ पर, अभी खाली हमें आज समझना है, ठीक है। अब देखो मेंढक है, कितने मेंढक हैं यहाँ पर? यहाँ पे तालाब के पास कितने मेंढक हैं? 1 2 3 थ्री मेंढक हैं। उसमें से एक मेंढक जो है पानी में गिर जाता है ना, एक मेंढक पानी में गिर जाता है, तो कितने मेंढक बचेंगे? टू मेंढक है ना, टू मेंढक यहाँ पे बचेंगे, दो मेंढक यहाँ पे बचेंगे। ओके अभी देखो यहाँ पर जिस तरीके से आप फ्रेंड्स खेल रहे हो, पांच फ्रेंड्स खेल रहे हो, उसमें से दो घर चले जाते हैं, दो को मम्मी ने बुला लिया है ना, तो कितने बच जाएंगे? तीन है ना। तो चलो अभी देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जग कितने हैं? ये जग का चित्र है, जग कितने हैं? सिक्स जग है। कितने जग हैं? सिक्स। उसमें से फूट गए हैं, चार जग फूट गए हैं, मिट्टी के जग हैं हाँ, तो उसको वो लुढ़क गए या किसी ने धक्का दे दिया या ऐसे गिर गए तो वो टूट गए, तो चार जग इसमें से टूट गए हैं, फूट गए हैं, ठीक है। तो कितने बचे? केवल दो जग यहाँ पे बचे हैं, तो यहाँ पे दो। देखो सिक्स में से फोर गए, कितने बचे? दो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आके देखो, ये लड़की है, इसके हाथ में फूल है ना, फ्लावर्स है। कितने फूल है इसमें? डंडी से बने हैं फूल, पांच फूल है, फाइव फूल। कितने फूल है? फाइव फूल हैं। इसमें से अपनी फ्रेंड को दे देती हैं, कितने देती हैं? दो। डंडी वाले फ्लावर हैं, दो उसको दे देते हैं, जैसे गुलाब का फूल होता है ना, एक डंडी वाला वन होता है ना, उसी तरीके से इसमें से फाइव थे, उसमें से दो अपनी फ्रेंड को दे दिए हैं, तो उसके पास कितने बचेंगे? 1 2 3 बचेंगे। कितने बचेंगे? थ्री। तो चलो फाइव में से यहाँ पे टू निकालो तो कितने बचेंगे? थ्री। ओके चलो अभी देखो यहाँ पे नीचे ये जो है डाली है, क्या है? डाली। डाली में पत्ते हैं, तो कितने पत्ते हैं देखते हैं हम इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाइन डाली में नाइन पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं? नाइन पत्ते दिखाई दे रहे हैं है ना। उसमें से कुछ पत्ते गिर जाते हैं है ना, कुछ पत्ते गिर जाते हैं, तो कितने पत्ते गिर गए? 1 2 3 4 फोर पत्ते इसमें से गिर गए हैं है ना, टूट के गिर गए। तो अब इसमें कितने पत्ते बचे हैं? 1 2 3 4 5 कितने बचे? फाइव। फाइव पत्ते यहाँ पे बचे हैं है ना, तो ये कितने बचे हैं देखो? 1 2 3 4 5 है ना, नाइन थे। डाली में कितने पत्ते थे? नाइन पत्ते थे, उसमें से फोर पत्ते नीचे गिर गए हैं टूटकर, तो कितने बचेंगे? फाइव। ओके फोर पत्ते गिर गए हैं, फाइव बचे हैं। ओके तो इस तरीके से हमें आज घटाव सीखना है, एकदम सिंपल और एकदम इजी। चलो आगे देखो पेज नंबर 84, ठीक है। 84 में उदाहरण के अनुसार घटाव करें। अभी देखो यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, चित्र से देखोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो ये कितनी गेंद है, गेंदें कितनी हैं? दो गेंद हैं है ना, उसमें दो में से एक गेंद खराब हो चुकी है, तो उसमें डंडी खींच दी है, तो कितनी गेंद बची? वन गेंद है ना, एक गेंद यहाँ पे बची है। ओके अभी ये हमें करना है सॉल्व, ठीक है, इसके आंसर हमें निकालना है। 1 2 3 4 5 कितने दीपक हैं? फाइव दीपक हैं, उसमें से टू के ऊपर डंडी खींची है यानी ये टू बुझ गए हैं, तो इसमें से फाइव में से टू बुझ गए, तो कितने बचे हैं? 1 2 3 तो हम यहाँ कितने लिखेंगे? थ्री, ठीक है।
तो चलो हम यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ पे भी हमें 3 लिखना होगा। ओके चलो अभी देखो यहाँ पर देखो आम है, कितने आम है 1 2 3 4 5 5 आम है। पहले सारे काउंट करो कितने आम है 5 है ना। फिर 5 में से एक आम किसी ने खा लिया या ख़राब हो चुका है तो उसमें से इसके ऊपर डंडी खींची है, बाकी के ऊपर खींची है क्या नहीं खींची है, तो हम जो बाकी बचे हैं वो हमें गिनना है और जिसके ऊपर डंडी खींची है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो 1 2 3 4 तो कितने बचेंगे 4 आम यहाँ पर बचेंगे। ओके अभी चलो अभी देखो 4 कितने कप हैं 1 2 3 4 पहले टोटल गिनो कितने हैं पूरे मिलके कितने कप हैं 1 2 3 4 4 यानी 4 लिखो। उसके बाद में डंडी कितने कप के ऊपर खींची है 2 पे तो 2 लिखो। अभी कितने डंडी बगैर के कितने बचे हैं 2 तो यहाँ पे हम कितने लिखेंगे 2 और यहाँ पे कितने लिखेंगे 2 ठीक है, यानी 2 को काट दिया है 2 बचे हैं इसलिए हमने 2 लिखे हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे कितनी क्वालिटीज हैं 1 2 3 कितनी है 1 2 3 पहले सारी काउंट करो 1 2 3 तो 3 लिखो। उसके बाद में 2 हमने खा ली है, कितनी खा ली है 2 जिसके ऊपर डंडी खींची है, कितने कितने के ऊपर डंडी खींची है 2 के ऊपर डंडी खींची है यानी 3 में से 2 चले गए तो कितने बचे 1। ओके तो यहाँ पे बचे 1। अभी देखो छाते, छाते का चित्र दिया है कितने छाते हैं 1 2 3 4 4 छाते हैं उसमें से 3 छाते चले गए हैं ख़राब हो चुके हैं 1 2 3 3 के ऊपर लाइंस खींची हैं तो कितने बचेंगे 4 में से 3 चले गए हैं बचेंगे 1। ओके 1 है ना। अभी देखो यहाँ पर ये क्या है बॉल ठीक है 1 2 3 4 5 5 है उसमें से 3 के ऊपर डंडी खींची है तो कितने बचेंगे 2 है ना 2 बचेंगे। चलो फिर ये है प्याज 3 प्याज है कितने प्याज है 3 उसमें से 1 खा लिया है 1 को किसी ने खा लिया है 1 खराब हो चुका है 1 के ऊपर हमने डंडी खींची है तो कितने बचे 2 बचे हैं है ना कितने बचे हैं 2 तो हम यहाँ कितने लिखेंगे 2। ओके 2 तो 1 से खाली 5 में हमने आज घटाव सीखे हैं काट देना है जितने खराब हो चुके हैं जितने खा लिए हैं जितने हमें निकाल दिए हैं उसे हमें गिनना है अलग से और जितने टोटल है पहले उसको गिनना है फिर जिसके ऊपर डंडी खींची है उसको गिनना है यानी हमारा आंसर एकदम परफेक्ट आ जाएगा ठीक है। एकदम आराम आराम से और धीरे धीरे से हमें घटाव सीखना है। ओके तो आज के लिए हमारा बस इतना ही, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे यानी आपको आने लगेगा एकदम से ज़्यादा से आपको जल्दी जल्दी नहीं आएगा है ना, इसीलिए आज के लिए हमारा वीडियो यहीं पर पूरा। ओके बाय।